नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड। अच्छा, वीडियो प्रारंभ करने के पहले मेरे ना तीन प्रश्न हैं आपके लिए। पहला कि एंड्रॉइड टैबलेट्स के डाउनफॉल का रीजन आपको क्या लगता है। दूसरा, क्या एक टैबलेट का मतलब मात्र एक बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्टफोन होता है। और तीसरा है कि क्या टैबलेट्स को ठीक ठाक चिपसेट और बढ़िया क्वालिटी के स्पीकर्स नहीं मिलने चाहिए। कुछ समय पहले Xiaomi ने Xiaomi Pad 5 लॉन्च किया था और उसके साथ Xiaomi ने अंडर 30,000 बजट में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस वाला अप्रोच लिया था। बढ़िया 120 हर्ट्ज के और स्नैपड्रैगन 860 चिपसेट के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस। अब 30,000 रुपए के बजट में जब टैबलेट लेने की बारी आती है ना, तो बहुत से लोग आईपैड ही कंसीडर करते हैं। भाई साहब, दरवाजा ना आज खुला रह गया, कीड़े बहुत ज्यादा आ गए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 30,000 के बजट में मोस्टली लोग आईपैड कंसीडर करते हैं जब टैबलेट खरीदने की बारी आती है। तो परंतु Xiaomi Pad 5 के बाद मैंने देखा कि बहुत से लोगों का दृष्टिकोण बदला इसके बारे में। बहुत से लोगों ने Xiaomi Pad 5 को भी कंसीडर किया। हाँ, अब आईपैड के अपने एज मिलते हैं, जैसे कि ज्यादा प्रोडक्टिव एप्लीकेशन का सपोर्ट है, ब्रांड वैल्यू है, इकोसिस्टम है। परंतु कहीं ना कहीं Xiaomi Pad 5 ने एक जान सी फूंकी इंडियन टैबलेट इंडस्ट्री में, ऐसा मुझे लगता है। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और उसी कड़ी में Xiaomi की तरफ से ये Redmi Pad लॉन्च किया जा रहा है, एक मिड रेंज या बजट वाला पैड होगा ये। अच्छा, प्राइसिंग की बात करते हैं तो भाई क्या सही प्राइसिंग पे लॉन्च हुआ ये। इसके तीन वेरियंट है। 3GB 64GB का प्राइस है 14,999, 4GB 128GB का प्राइस है 17,999 और 6 128GB का प्राइस है 19,999 रुपए। वैसे तो ये वाली प्राइस ही काफी ज्यादा अग्रेसिव लग रही है, बट इंट्रोडक्टरी ऑफर और बैंक ऑफर्स को इंक्लूड करते हैं ना, तो भाई साहब एकदम किलर डील बन जाता है। सच में जो फीचर्स इसमें मिलते हैं, मैंने अज्यूम नहीं किया था कि इस प्राइस पे ये टैबलेट लॉन्च किया जा सकता है। और इसमें भी MediaTek का Helio G99 चिपसेट दिया गया है, जो कि हम Poco M5 में यूज कर चुके हैं। एक और स्मार्टफोन है Moto G72, उसमें यूज कर रहा हूँ। निसंदेह काफी बढ़िया चिपसेट है। हाँ, ये Xiaomi Pad 5 जितना पावरफुल नहीं रहेगा, बट बजट में बढ़िया है। अच्छा, कुछ इस प्रकार का ये डिब्बा मिलेगा। डिब्बे में मिलेगा आपको एक टैबलेट, कुछ पेपर्स मिलेंगे, 22.5 वॉट का अडैप्टर मिलेगा। हालांकि ये डिवाइस 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और टाइप ए टू टाइप सी केबल और एक सिम इजेक्टर टूल है। परंतु ये जो टैबलेट है इसमें सिम नहीं लगती। जी हाँ, LTE मॉडल नहीं है, ये वाईफाई मॉडल है। अब आप कहेंगे भाई साहब ये सिम निकालने वाला यंत्र फिर काहे दे दिया। यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है भाई साहब, तो इसको निकालना है कि नहीं निकालना। बाकी ये मेटल बिल्ड के साथ आता है, पूरा यूनिबॉडी डिजाइन मिलता है, मेटल का बॉक्सी लुक है, काफी प्रीमियम फील आती है इसमें। काफी पतला और स्लिम है, पतला और स्लिम एक ही बात है, मतलब हाँ पतला है। और हाँ, ये तीन रंगों में उपलब्ध रहेगा। ऊपर की साइड पावर बटन और दो स्पीकर्स मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस के साथ आते हैं ये, टाइनी और वॉल्यूम बटन्स, और यहीं पे दो माइक्रोफोन मिलते हैं, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। नीचे की ओर भी दो स्पीकर्स हैं, अर्थात 4 स्पीकर्स हैं टोटल इस वाले टैबलेट में, और ये टाइप सी पोर्ट है। अब आपको लग रहा हो कि हेडफोन जैक नहीं है इसमें, नहीं है। पीछे 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है और फ्रंट में भी सिंगल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का ही, 105 डिग्री वाइड है, थोड़ा वाइड एंगल वाला कैमरा है ये। अभी सैंपल दिखाऊंगा आपको। बहुत से लोग कहते हैं भाई ऐसे दिक्कत होती है पकड़ने में ना, तो कैमरा इस बार यहाँ पे सेंटर में दिया गया है, तो ऐसे लैंडस्केप मोड में रख के आप वीडियो कॉल, मीटिंग या फिर पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, डिस्प्ले यहाँ पे 2K रेजोल्यूशन वाली है, 10-bit कलर डेप्थ है और 90Hz का रिफ्रेश रेट है, 400 nits की ब्राइटनेस की। अब आपको लगेगा ब्राइटनेस कम है, तो टैबलेट्स मोस्टली इंडोर्स यूज किए जाते हैं, तो इस केस में काम चल जाता है, कोई ऐसी समस्या नहीं होती। अच्छा, इसकी सेटिंग्स में चलते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं, तो यहाँ पे रीडिंग मोड मिलता है, इसको इनेबल करते हैं। यहाँ पे एक पेपर मोड मिलता है, इसको इनेबल करने के बाद ना डिस्प्ले में एक टेक्सचर सा बन जाता है। पीछे ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, ऐसे एक खुरदरा सा टेक्सचर बनता है, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना आपको, तो ये पेपर वाली फील देता है। और रीडिंग मोड में वही ब्लू लाइट्स को भी फिल्टर किया जाता है, ताकि लंबे समय के लिए अगर आपको कुछ पढ़ना हो, आर्टिकल या कुछ भी, तो उस कंडीशन में आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी आपकी आंखों को। अच्छा, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए Redmi Pad मुझे काफी अच्छा लगा। पहला रीजन है कि 10.61 इंच की एक बड़ी 10-bit वाली डिस्प्ले, वो भी 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। दूसरा रीजन कि ये वाइडबैंड L1 सर्टिफाइड है और Amazon Prime या Netflix में आप फुल HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। और तीसरा कारण मैं आपको बता चुका हूं, क्वाड स्पीकर के साथ आता है, स्पीकर की जो क्वालिटी है, लाउडनेस है, बेस ट्रेबल की जो क्वालिटी है, काफी सही है। सही बताएं तो हमारे iPad 9 जनरेशन तो अच्छा है। अच्छा, डिस्प्ले में जो बेजल्स है ना, ओवरऑल वो सिमेट्रिकल हैं चारों साइड, थोड़ा-थोड़ा हैं बेजल्स मतलब, लेकिन सिमेट्रिकल हैं। बाकी e-लर्निंग के लिए डेफिनेटली ये वाला टैबलेट काफी सही हो सकता है। मल्टीटास्किंग जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि आप स्प्लिट स्क्रीन में दो एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं, सपोर्टेड एप्लीकेशंस, और एक एप्लीकेशंस आप फ्लोटिंग विंडो में रख सकते हैं, तो एक साथ आप 3 एप्लीकेशंस पे काम कर सकते हैं। और
जो इसमें फ्रंट कैमरा मिलता है ना, इसमें Xiaomi की फोकस फ्रेम टेक्नोलॉजी मिलती है। अब ये कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी नहीं है, वाइड एंगल कैमरा है, तो ये आपको ट्रैक कर सकता है और एक से ज्यादा लोग यदि मीटिंग में होते हैं तो वहां पे मोस्टली लोगों को फ्रेम में रख सकता है मीटिंग के दौरान। ये वाला फीचर आईपैड में हम यूज कर चुके हैं। अच्छा, इसमें थर्ड पार्टी पिन का सपोर्ट मिल जाता है, जो भी Amazon Flipkart पे कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाले स्टाइलिश होते हैं उन्हें ये सपोर्ट करेगा। इसको व्यक्तिगत रूप से हमने ट्राई नहीं किया है, परंतु Xiaomi वालों ने बताया तो भाई झूठ थोड़ी बोलेंगे, इतनी बड़ी कंपनी है, झूठ थोड़ी बोलेंगे। अच्छा, परफॉर्मेंस की बात कर रहा था ना, तो MediaTek का Helio G99 चिपसेट मिलता है, LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज। बढ़िया सा सामंजस्य है, बढ़िया कॉम्बिनेशन है, मतलब परफॉर्मेंस के लिए इस बजट में। अब BGMI जैसे गेम्स वैसे बैन है, परंतु 40fps में इसमें गेम प्ले हो जाता है और बड़ी स्क्रीन है तो भाई मजा भी आता है। और रेगुलर यूसेस में भी मैंने देखा कि मल्टीटास्किंग या ऐसे बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस को जल्दी जल्दी ओपन क्लोज करते हैं तो थोड़ा बहुत जिटर्स नोटिस होते हैं, परंतु क्योंकि मैं अंडर 20,000 बजट इसका मान के चल रहा हूं तो ऐसे परफॉर्मेंस में कोई विशेष कंप्लेंट नहीं कर सकते। ये वाला चिपसेट 6nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, पावर इफिशियंट है और पावरफुल भी है। जो कैमरा एप्लीकेशन है वो बेसिक सा मिलता है Xiaomi का ही, और यहीं पे डॉक्यूमेंट स्कैनर वाला फीचर भी मिल जाता है इनबिल्ट। और हमने भी कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन करे और उनमें जो लिखा था हम आसानी से पढ़ पा रहे। अब आप कहेंगे भाई साहब मीटिंग में कॉल करेंगे तो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी कैसी है? तो ये फ्रंट कैमरा की क्वालिटी आप देख रहे हैं, इतना वाइड है इसका एरिया, और माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है वो भी आप सुन सकते हैं। मैंने अपने पूरे हाथ फैला रखे हैं, उतनी दूरी पे है ये फिलहाल, थोड़ा सा और पास लाता हूं। अब मैं थोड़ा नॉर्मल लाइट की तरफ आ गया हूं, तो कुछ इस प्रकार की क्वालिटी आपको मिल सकती है। बाकी फ्रंट और रियर दोनों ही कैमरा से 1080p 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग और इन केस करनी हो तो कर सकते हैं। साथ ही 8000mAh की बैटरी मिलती है इसमें। रेडमी क्लेम करता है कि भाई ये सब चीजें आप कर सकते हैं एक बार फुल चार्ज करने के बाद। बैटरी अभी पूरी तरह से ड्रेन करके टेस्ट नहीं किया है, परंतु अभी तक जो बैटरी बैकअप मिला है वो सही लगा है। हाँ, इसका जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा हमको। पहली बात, ये चल रहा है अभी MIUI 13 पे, जो कि बेस्ड है Android 12s पे। ये टैबलेट के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एंड्रॉइड का वर्जन है, और रेडमी ने बोला है कि इस वाले टैबलेट को 3 वर्षों का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, सिक्योरिटी अपडेट। 2 वर्जन MIUI के अपडेट मिलेंगे और 2 वर्जन ही एंड्रॉइड के अपडेट मिलेंगे। एंड्रॉइड 12 पे चल रहा है तो 13 और 14 मिलेगा, MIUI 13 पे चल रहा है तो 14 और 15 मिलेगा। बाकी इस टैबलेट में कोई डेडिकेटेड कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए पोर्ट नहीं मिलता है, तो ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड्स आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और हमने भी अपना ब्लूटूथ कीबोर्ड कनेक्ट करके देखा, वो कार्य कर रहा है। बाकी सॉफ्टवेयर में ये डॉक सपोर्ट भी मिल जाता है, तो यहाँ से और यहाँ से आप स्वाइप करके ये डॉक भी देख सकते हैं, जहाँ पे एप्स रहेंगे कुछ आपके, जो भी एप्स चाहें तो यहाँ पे आप पिन करके रख सकते हैं। साउंड क्वालिटी लाजवाब है और परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है। और अच्छी बात यह है कि नए चिपसेट के साथ आता है, ऐसा नहीं कि कोई पुराना चिपसेट ऐसे ही उठा के डाल दिया गया हो। नया चिपसेट आने का एक और फायदा होता है कि भाई UFS स्टोरेज भी इसमें सपोर्ट करती है, नहीं तो MediaTek Helio G80, G85 उनमें UFS स्टोरेज भी सपोर्ट नहीं करती। बाकी देखिए कॉन्स भी हमको लगे, जैसे हेडफोन जैक इसमें दिया जा सकता था, और Xiaomi Pad 5 जो आया था ना वहां पे भी कोई LTE वेरिएंट नहीं था, यहां पे LTE वेरिएंट में भी दिया जा सकता था। आपको क्या लगता है, क्या आप अपने टैबलेट के लिए एक अलग से सिम परचेज करके उसमें रिचार्ज करके नेट चलाने के लिए रखेंगे? भाई पर्सनली मैं नहीं रखूंगा, सही बता रहा हूं, मतलब फोन के डेटा चला लूंगा या जैसे भी, पर हां LTE वेरिएंट होता तो कुछ लोगों के यूज केस में भी थोड़ा फिट हो सकता था। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता तो फेस अनलॉक से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो मित्रों ये था Redmi Pad, क्या Android टैबलेट की जो मार्केट है वो पुनर्जीवित हो रही है? देखिए हमको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जी हाँ हो रही, और हमको ये भी प्रतीत हुआ कि Xiaomi दूसरे ब्रांड्स को भी थोड़ा पुश कर रहा है कि भैया टैबलेट में थोड़ा ढंग का चिपसेट भी दीजिए, मात्र स्क्रीन बड़ी करने से वो टैबलेट नहीं बन जाएगा ना भाई। यदि आपके कुछ प्रश्न हो इसके बारे में तो आप टिप्पणी के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही सब करना होता है, हर बार बताते हैं आज भी बता रहे हैं। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।